नमस्कार बच्चों, मैं सरोज मल्होत्रा आप सभी बच्चों का व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए हम हिंदी व्याकरण में आज एक और रिवीजन शीट करेंगे, रिवीजन शीट 4, जिसमें हम एनुअल सिलेबस को रखेंगे। आपका सिलेबस है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13 चैप्टर्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न एक की ओर। दिए गए प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का समान अर्थ हो, शब्द अनेक अर्थ एक। जैसे माँ, माँ को हम जननी और माता भी कहते हैं। शब्द अनेक अर्थ एक। पेड़ का दूसरा नाम है विटप और वृक्ष। हम पेड़ को अनेक नामों से जानते हैं, पेड़, विटप, वृक्ष। नाम अनेक अर्थ एक। कमल को हम नीरज और जलज भी कहते हैं। जल में रहने वाला फूल जलज, नीरज, पंकज, राजीव भी इसके नाम है। नाम अनेक अर्थ एक। शब्द है पहाड़ को हम पर्वत शैल भी कहते हैं। पर्वत, पहाड़, शैल, अचल और गिरी, ये पहाड़ के अनेक नाम हैं। नाम अनेक शब्द एक। बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न दो की ओर। एक शब्द में उत्तर दीजिए, अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखने हैं। हमें कौन पढ़ाता है, हमें कौन पढ़ाता है। शब्द वाक्य में अनेक शब्द आए हैं, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। हमें कौन पढ़ाता है? अध्यापिका, अ ध या पी का अध्यापिका। हमें अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षिका, शिक्षा का ज्ञान देती है शिक्षिका, अध्यापिका। दूसरा है खेती कौन करता है, कौन करता है फसल, कौन उगाता है हमारे लिए, किसान फसल उगाता है, किसान। उत्तर है किसान। तीसरा वाक्य है कपड़े धोने का काम कौन करता है। कपड़े धोने का काम कौन करता है? धोबी। यहाँ मम्मी मत लिख दीजिएगा कि घर के कपड़े मम्मी धोता है, नहीं, आपके होटलों में, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में जो धुलाई होती है वो धोबी करता है। कपड़े धोने का काम धोबी का होता है, वो कपड़ों को धोता है और आयरन करता है। प्रश्न चार है वाक्य
हमारा इलाज, हमारा हमारा इलाज, इलाज इलाज, कौन कौन करता, करता करता है हमारा इलाज, कौन करता है हमारा इलाज, करता है जब आप बीमार होते हैं और या आपको चोट लग जाती है, आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर, उत्तर लिखिए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तीन विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल साड़ी, नीला कोट, सुंदर खिलौने, ऊंची इमारत आदि। शब्द है लाल, लाल और लाल, सुंदर सुंदर, और चतुर चतुर। लाल साड़ी, सुंदर बच्चा और चतुर लड़का, ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न दो, समान 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 अर्थ, समान अर्थ बताने, बताने बताने वाले वाले शब्दों 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 को क्या कहते हैं, क्या कहते कहते हैं। समान अर्थ, जिनका अर्थ समान हो, जिनका अर्थ समान हो, अर्थात पर्यायवाची शब्द। शब्द अनेक, अर्थ एक, पर्यायवाची पर्यायवाची वाची पर्यायवाची शब्द शब्द। पर्याय का अर्थ होता है समान, वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, समान अर्थ बोले वाले, बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तीसरा, उल्टे उलटे उल्टे अर्थ, उल्टे अर्थ बताने 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 वाले, बताने वाले शब्दों 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 को, शब्दों को क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। उल्टे मतलब विपरीत, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, मोटा पतला, हंसना रोना आदि शब्द विलोम शब्द हैं। विलोम विलोम शब्द कहते कहते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाले, पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाले, विलोम शब्द उल्टे अर्थ बताने वाले। बच्चों प्रश्न चार में हम मिलान कीजिए। मिलान मतलब आपको सही शब्द के सामने सही उत्तर लिखना है। शब्द है बड़ा, पतला पतला, हसना हसना, रात रात। उसके विपरीत में शब्द है मोटा मोटा, दिन दिन, छोटा छोटा, और रोना रोना। जब हम इसको मिलान को करेंगे तो हम सही शब्द के सामने सही उसका शब्द लिखेंगे, कोई भी लाइन नहीं खींचेगा। उत्तर एक, बड़ा 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 का सही विलोम शब्द है बड़ा, छोटा छोटा छोटा, बड़ा छोटा। दूसरा शब्द है पतला, पत
ला पतला, पतला मोटा, मोटा मोटा, मोटा मोटा। ये आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं जिनका हमें मिलान करना है। तीसरा है आपका हंसना, 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 हंसना का रोना, 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 हंसना, रोना। सही शब्द के सामने उसका सही मिलान करना है, लाइन नहीं खींचनी है। अब आइए, रात का उल्टा शब्द है दिन, रात, दिन, डे, नाइट, रात, रात, दिनों, दिन, रात, दिन। ये आपका सही मिलान हो गया है। बड़ा, छोटा, पतला, मोटा, हंसना, रोना और रात, दिन। बच्चों बढ़ते हैं अपने गृह कार्य की ओर, अर्थात होमवर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपके सिलेबस में 1 से लेके 20 तक गिनती है। आपको गृह कार्य में 11 से लेके 20 तक गिनती शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखने हैं। जैसे ग, ग्यारह, ग्यारह, बारह, बारह, इस तरह आप गिनती 20 तक लिखेंगे शब्दों में और अंकों में। थैंक यू, धन्यवाद।